अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सारा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं यास्मीन सुल्ताना, आइए देखते हैं। करे एक दफा गली बके मेरी बच्ची की एक दफा बुला ले के बिठाए। नाम क्या है? नाम क्या है? अहमद भाई साहब। शादी बाद में थोड़ा सा कर रहा था बैठा, फातिमा बिन फातिमा साथी का अहमद साथी अहमद भाई माइन अल्लाह माते बुला ली थी मैं, एक वक्त नहीं भेजे, फिर आके एक वक्त आके घर पे हमला करे। बच्चे उलवा क्या बोले, उनकी बहन बड़ी मेरी बेटी है, उनके ऊपर ये दामाद कुमारो बोले, दामाद के पावा तोड़ो बोले, तो दामाद नहीं थे, मेरा बेटा था, मेरे बेटे को मारे, बच्ची के पाँव की हड्डी टूट गई। बाद में फिर यूँ चाकू नहीं थे, हम 4 महीने बिठा लिए, मैं नहीं बोली, आके पेट में मुंडी डाले, हम मुसलमान हैं, हम 4 महीने बिठा लेके पार्टी जाने से ठीक आए हम, मैं भेजने को राजी नहीं थी। ऐसा कत्ल हमारे आँखों में दिख रहा, मगर हमारे को यहाँ की पुलिस बच्ची को लाके छोड़ने के बाद घर में आके जो है सो दावत में ही आके उनके हस्बैंड मारे बच्ची को, तो हमारे वो करे, हमारे हस्बैंड भी थे, उनके चचा भी थे घर में, उनके चचा पे भी हाथ उठाए करे, तो हम लोग बाद में बच्ची को रख लिए घर में, मैं भेजते बन के, तो 3-4 महीने रख लिए हम लोग घर में। तो फिर यानी फर्स्ट टाइम हुआ ना ऐसा, थोड़ा बहुत होते, कौन सी शादी में नहीं होता ऐसा लड़ाई झगड़ा, ये हो बोल के पूरे बस्ती के लोग हैं, ख़ानदान के बड़े लोग हैं, ये सब मिल के जो है सो फैसला करे भेजेंगे, एक मौका दियो, तो हम लोग बोले नहीं, एक बार हाथ उठाने के बाद हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, नहीं भेजते बोले हम लोग। तो फिर नहीं नहीं अब क्या चाह रहे हैं माँ बाप? हाँ हमारी बच्ची को इंसाफ होना, लोगों को बस्ती में कदम नहीं रखना, और लगा ऐसा करो हम ना जो है सो मर्डर केस में डाले, और ना डोरी केस में बोल के बुक करे, कहते पुलिस वाले भी जो है सो हमारा साथ नहीं दे रहे, चंद्रान कुटे वाले पीएस वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारा पुलिस में हम लगा मर्डर केस था, ये तो देखे हुए है ना केस, तो हम ना तो करे भी नहीं थे पहले, उन्हें खुद जाके सिलेंडर हुआ, हम लोगों को मालूम भी नहीं ये चीज़ हुई थी घर में, बच्ची को मार भी है, मार के जाके करके सब मिल के पूरा प्लानिंग से करे, और ना सिलेंडर हो गया, उसके बाद में हमारे को मालूम हुआ, तो हमारे बॉडी को भी अभी पेरेंट्स को हैंचने वहाँ पे बच्ची को भी उठा के लेके चली गए, पुलिस वाले रहना था देखना था क्या है क्या नहीं, हथियार कुछ बता रहे थे हम लोगों को, और मर्डर की वजह क्या है भी नहीं मालूम हम लोग को आज तक, तो ये सब हम लोग मालूम होने का है हम लोग को। आप लोग मालूम करने की कोशिश करें, आप लोग कर रहे हो हर पुलिस स्टेशन के, हमारा फलकनुमा पुरानी हवेली क्या बशीराबाद हर जगह जा रहे हैं हम लोग। तो क्या जवाब मिला आप लोगों को वहाँ से? कहते साथ देते बोल रहे बस, और कुछ नहीं, मजबूत रहो सजा होती बोल रहे हैं, बोला मजबूत रहो सजा होती, क्या करेंगे, उन्हें आके गया डाल दिए, उन्हें आया अपने आप उसको जेल को डाल दिया, क्या डोरी केस में डाल दिया, लोगों को बोलूँ की 19 दिन के अंदर बेल होगी जी, आपको कैसा पता चला? बोलूँ की बेल होने के बाद पता चला हमारे, 19 दिन के अंदर बेल हो गई, वो लोगों की वापस दिखे तो हम जाके तहकीकात करे, तो बोले नहीं लोगों मर्डर केस में नहीं, FIR पहले दिन सादी सीधी FIR, मैं रात में 12 बजे रात को आया, बच्ची का जब कत्ल हुआ मैं काम पे था, पूरे जने गए थे बस्ती लोग अंदर घुसने नहीं दे रहे पुलिस वाले, भाई को भी नहीं घुसने दे रहे, किसी को घुसने नहीं दे रहे पुलिस वाले, ज़बरदस्ती मैं घुसा, तो मेरे से पूछे क्या वजह है, मैं आए तो 9 लोगों के नामा लिखाया था मैं। आप कोरोना बच्ची के? मेरे वालिद साहब हूँ बच्ची का। आपका नाम? मेरा नाम अली बिन मोहम्मद सादी है, नामा लिखाया पूरों के 9 जनों के, लिखाने के बाद मेरा अंगूठा मेरी साइन ले लेके चले गए, रख ले करके बाद में दूसरे दिन हम डेड बॉडी लाने में दवाखाने में इसमें मसरूफ रह गए, जब ज़ियारत के दिन यहाँ पर सभी खैर में पेपर होना बोले तो। जैसा कि आपने देखा मरहुमा के घर वाले रोड पर उतर आए हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, क्या मरहुमा को इंसाफ